You're watching A18 Telangana News, English Channel 24 7 Welcome to A18 Telangana News. Mohammad Arif from Chanchal Gura, murdered in Georgia, USA. 37 years, Arif Fadin, who was in USA from last 10 years and was a running a grocery market in USA. According to his family, he had a difference with business partner. एम टू विक्टम्स रेसिडेंट इन लॉ टू इन यू एस एरिफुद्दीन साहब की एहल्या के साथ हूँ और उनके फादर इन लॉ है ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मोहम्मद आरिफुल्दीन को जो है जॉर्जिया यू एस ए में जो है इनका स्टैप uh, यानी कुछ बिजनेस uh, राइवलरी में इनको स्टैप करके मार दिया गया है और अभी अभी इतला मिली है यानी एक एक घंटा पहले उनके फ़ैमिली को उनके वाइफ को और उनके फ़ादर इन ला को ये इतला मिली है कि मोहम्मद आरिफ मोहियुद्दीन 37 सेवन ईयर्स जो जॉर्जिया में इनकी नीड्स ग्रॉसरी स्टोर थी उनका uh, कुछ ब्लैक लोग आए आकर जो है उनके घर पे बेल मारे जब ये दरवाज़ा खोले तो इनको जो है आ, स्टैबिंग करके मार दिए तो इनके वहाँ पर कोई भी नहीं है मोहम्मद आरिफ मोहुलद्दीन के अगर कोई लोग वहाँ पर जॉर्जिया में हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे अपील है कि इमीडिएटली इनकी फ़ैमिली से कांटेक्ट करके इनका हेल्प करिए दूसरी चीज़ यह है कि आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू तो इमीडिएटली आज द इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया इंडियन काउंसलेट इन जॉर्जिया एंड इंडियन एम्बेसी इन यूएसए एस ए टू इमीडियटली कॉन्टैक्ट द फैमिली ऑफ मोहम्मद आरिफ मोही ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ चंचलगोड़ा न्यू रोड इनसे इमीडिएट रप्त क़ायम करते हुए इनकी फैमिली को हेल्प करना चाहिए एंड इनकी वाइफ और इनके फ़ादरल्ला इमीडिएट ये लोग वहाँ पर जाना चाह रहे हैं यूएस को जॉर्जिया को जाना चाह हैं ताकि फाइनल राइट्स में हिस्सा ले सके तो इमरजेंसी वीज़ा देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ़ से इनका टिकट का भी इंतजाम करना चाहिए आ, मैं गुज़ारिश करूँगा कि मोहम्मद आरिफ महीद्दीन की अहलिया एक्चुअली यह है कि उनको एक मासूम बच्ची भी है दस महीने की बच्ची है और पंद्रह तकरीबन आठ साल दस साल से वो वहाँ पर पहले जॉब कर रहे थे फिर बाद में ख़ुद अपना एक ग्रॉसरी स्टोर लगाए तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है कई हैदराबादियों के ऐसा वहाँ पर कतल हो रहा है इनका भी एक ऐसा वाक़ पेश आया है हम इनकी फैमिली के साथ दुख में शरीक हैं आप लोग भी दुआ करिए इन फैमिली के लिए और जल्द से जल्द हुकूमत से मुतालबा है कि इनको जाने का अरेंजमेंट किया जाए मैं महनाज फातिमा से गुजारिश करूँगा कि आपको कब मालूम हुआ देखो आधा घंटा पहले मालूम हुआ आधा घंटा पहले मालूम हुआ सैटरडे नौ बजे मेरे को कॉल करे थे उन्होंने फिर आधा घंटा पहले कॉल आधा घंटा बाद कॉल बैक करते बोले लेकिन कॉल ही नहीं करे उन्होंने फिर मैं कॉल करते जा रही थी उनको रात में एलेवन थर्टी तक कॉल करी मैं लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं करे उन्होंने तो फिर मैं मेरे सिस्टर इन लॉ को कॉल करी उनको कॉल करने के बाद उनके कोई फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर जॉर्जिया में तो उन्होंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट करे तो वहाँ के पी से मालूम हुआ कि उनका मर्डर हो गया बोल के और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे बोल के लेकिन उनकी डेथ हो गई बोल के मालूम हुआ वहाँ पर <laughs> तो मेरी अपील है मैं जाना चाह जा रही हूँ लाइट लाइट <laughs> मोहम्मद आरिफ मोहियुद्दीन के जो फादर इन्ला है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपसे वालेकुम मेरा नाम ख्वाजा मोहुलद्दीन है ये मेरी लड़की है मेहनाज फातिमा जो बहुत ही गमज़दा है साहब समझे अब ये इनकी जो है फाइल फाइल भी की हुई है इनका लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ वो नहीं मिला साहब तो मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोगों को जाने के जो है बंदोबस्त करें आप और गवर्नमेंट से थोड़ी मदद करवाए तो बड़ी मेहरबानी होंगी आप नहीं आपको ये आपको कभी इतला हुई कि ये मोहम्मद आरिफ मुहुद्दीन का इनको जो स्टैबिंग हुई उनका इंतकाल हुआ बोल के और उन्होंने कितने साल से थे ज़रा वो डिटेल बोलिए आरिफ मुहुद्दीन साहब नियरली टेन ईयर्स से थे साहब और इनकी जो डेथ हो कि इतला जो है हमारे को सिर्फ एक घंटा पहले मिली बस अच्छा तो आपके और कोई लोग है वहाँ पर जॉर्जिया नहीं में? नहीं कोई नहीं है साहब हमारे कोई लोग नहीं है किसी की मदद नहीं मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कुछ नहीं क्या नहीं है सर मैं दोबारा फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि जॉर्जिया में जो भी हैदराबादी हैं आ, मैं मेरे फेसबुक पे और मेरे सोशल मीडिया पे उनका एड्रेस डालूंगा और फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा जो भी लोग जॉर्जिया में हैं इमीडियटली रश uh, to दिस spot एंड हेल्प दिस पर्सन ऑलरेडी हैज़ been किल्ड मोहम्मद आरिफ मोहीद्दीन की मदद करिए उनके फैमिली की मदद करिए मैं दोबारा गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि इमीडिएटली मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर ये फैमिली से कंटैक्ट करना चाहिए हमारे केटी टी रामा साहब जो एन मिनिस्टर है मेरी उनसे अपील है कि इमिडिएटली ये फैमिली से कंटैक्ट करते हुए इमरजेंसी वीज़ा जो यू एस इन हैदराबाद है उनसे बात करके इमीडिएटली कल या परसों में दो रोज के अंदर इनको वीजा दिलाइए और टिकट का इंतजाम करिए ये लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पर आ, म, मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर जो भी है इसके केस के बारे में आई एल कीप यू अपडेटेड एंड आई अपील हु आर नियर जॉर्जिया और इन जॉर्जिया काइंडली इमीडिएटली रश एंड हेल्प दिस पर्सन थैंक यू ए वन टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से दो किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ बेंगलोर हाईवे से सिर्फ साढ़े पांच किलोमीटर बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ पांच लाख पचास हजार में सौ गज का प्लॉट एवन टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है आज ही तशरीफ लाए और एवन टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाए ऑफिस एट पिलर नंबर टू थर्टी फाइव अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद